कुछ भी मांग लो जी जी, पर इसका एक फिक्स प्राइस रख दिया, नॉर्मल आदमी भी ले सकता है जी। और भाई घर पे जो पीने के लिए लेगा जी उसका भाड़ा हम देंगे जी जी। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भी पशुपालक भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर जो भी नई वीडियो हमारे चैनल पे आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। वो दिखाने का अभियान जो हमने शुरू किया हुआ है उसको आगे बढ़ाते हुए आज फिर से मैं आया हूँ एक बार बेरी से सटे हुए गांव मांगावास में। और जैसा कि हम सब ने पता है, मांगावास में जब जब मैं आया, एक मुर्रा के एक ब्रांड एम्बेसडर मैं कहूँगा आजकल बन चुके हैं, कि युवा पशुपालक हैं हैप्पी भाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितनी बार भी हम यहाँ पे आए, अच्छी और उम्दा नस्ल का पशुधन हर बार ये लेके आते हैं और हमारे पशुपालक भाइयों को प्रोवाइड कराते हैं। प्रिंस डेयरी फार्म के नाम से इनका नया नया काम शुरू हुआ था, अच्छा खासा चल रहा है, अच्छी और उम्दा नस्ल की मुर्रा झोटियाँ हमारे पशुपालक भाइयों के लिए, भाई का जो है सेल परचेज का काम है। तो एक और मुर्रा का नायाब नगीना हैप्पी भाई यहाँ पे लेके आए हैं, इसी की डिटेल्स के लिए मैं हैप्पी भाई से मिलवाता हूँ आपको। तो नमस्कार हैप्पी भाई, नमस्कार भाई। कैसे हो आप? बढ़िया जी। तो पशुधन कितने दिन में, काफी दिन में लेके आए आपकी बार? तो भाई पशु एक तो मिल नहीं रहा जी जी, तो एक बार हैप्पी भाई डिटेल बताएं इसके। ये भाई सेकंड बैच में है, सेकंड लैक्टेशन। हाँ। जी, और कितना दिन इसको ब्याया हो गया? तीसरा दिन। हाँ। जी, नीचे कटड़ा है, नीचे कटड़ा किससे खल्ले होते हैं भाई, 14 किलो दूध तैयार है। ये आप देख सकते हैं सेकंड लैक्टेशन का पशुधन, और कह रहे हैं आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है? तीसरा दिन भाई, तीसरा दिन है। नीचे मेल काफ आप वहाँ पे देख सकते हैं, और बता रहे हैं कि अभी खीस से खा ले होते 14 लीटर दूध है। हाँ, मौके पे तैयार, मौके पे बिल्कुल 4 टाइम 5 टाइम मिल्किंग करो। तो ये आप देख सकते हैं जो भाई ने डिटेल्स बताई। तो ये जो जो मेल काफ है, ये किसी सीमन का है या बुल वगैरह से क्रॉस कराया था? सीमन का भाई, सीमन का है। तो हैप्पी भाई, जब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की के नीचे 14 लीटर दूध है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, कितना निकाल देगी ये? भाई साहब अब की बार 18-20 की कोई उम्मीद नहीं, अब की बार उम्मीद बहुत ज्यादा है दोस्तों जी। कई आदमी कह रहे हैं भले भाई तीसरा ब्यात है जी जी, भाई देखो तीसरा लग भी रहा है जी, और हमने पहला ब्यात इसका देखा है जी, तभी की मतलब ये पसंद थी हमें, और अब सेकंड ब्यात हुआ तभी उसको लेके आए हैं, थोड़े कमजोरी सी लिए दिख रही है जी जी, मतलब कमजोरी करती है ये। आप देख सकते हैं, बता रहे हैं कि किसी जानकार के घर पे थी और वहां से लेके आए हैं सेकंड लैक्टेशन का पशुधन ना भाई साहब जी, ये शरीर नहीं भरेगा इसका, ये आप देख सकते हैं साफ और स्पष्ट जानकारी कह रहे हैं, तब तक दूध नहीं देगी जब तक शरीर नहीं भरेगा। बाकी पशुधन को अगर मैं कवर करके दिखाना चाहूँ, ये देख सकते हैं हाइट लेंथ काफी अच्छी, स्वभाव काफी अच्छा, अडर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ एक HF गाय की तरह, किसी किसी पशुधन में इतना अडर जो है वो देखने को मिलता है। तो पूंछ हैप्पी भाई कटी हुई है पूंछ, तो ये भाई 2 साल की थी तब इसकी पूंछ कट गई थी, ये कहने दो जी जी, सीधी बता लो जी 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 जी, जम रही है पूंछ। नहीं, एक साफ और सटीक जानकारी पशुपालक भाइयों को, और थनों का जो गैप है वो भी काफी ठीक ठाक गैप, अच्छा खासा, बाकी लेवटी बहुत अच्छी है इसकी, और नरम चौड़ाई है जी जी, सिकरट जैसी मोटी धार है जी। तो मिल्किंग कराएंगे इसकी आज? आज मिल्किंग करवाएंगे, दूध दिखा दोगे? हाँ जी। ये आप देख सकते हैं पशुपालक भाइयों को साफ और सटीक जानकारी। दूसरा प्रवीण भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कि युवा पशुपालक हैं गांव मांगावास से ही, और भाई साहब और जी तैयार हो जाएगा, दोबारा मिल्किंग फिर करवाएंगे इसकी, ये आप देख सकते हैं। बाकी पशुधन को अगर मैं कवर करके दिखाना चाहूँ, ये आप देख सकते हैं स्वभाव काफी शांत, सिंगों की बनावट आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेहरा मोरा आप देख सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत कोई कमी नहीं, और बता रहे हैं लाइव मिल्किंग कराएंगे तो सेल के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल जी। क्या कॉस्ट रखेंगे, एक बार कॉस्ट और बताएं भाई साहब इसका? 1.5 लाख रुपए फिक्स प्राइस, 1.5 लाख रुपए फिक्स प्राइस। मांगने तो कोदो भैया, इसको तो कुछ भी मांग लो जी जी, पर इसका एक फिक्स प्राइस रख दिया, नॉर्मल आदमी भी ले सकता है जी। और भाई घर पे जो पीने के लिए लेगा जी उसका भाड़ा हम देंगे जी जी, और व्यापारी वर्ग का होगा 1.5 लाख रुपए फिक्स प्राइस। ये आप देख सकते हैं घर पे अगर कोई पीने के लिए हो तो बता रहे हैं भाई उसके लिए रेट में भी छूट, और कह रहे हैं किराया भाड़ा भी हम दे देंगे। बाकी जो व्यापार वर्ग से है उसके लिए फिक्स कॉस्ट भाई ने रखी 1.5 लाख रुपए। तो एक बार प्रवीण भाई थोड़ा सा चला के इसको जरूर दिखाएं, बाकी मैं मिल्किंग भी दिखाऊंगा इसकी, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आप देख रहे हैं अच्छी और उम्दा नस्ल का पशुधन सिर्फ और सिर्फ विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। ये आप देख सकते हैं भारी भरकम लेवटी, अच्छा खासा पशुधन मैं दिखा रहा हूँ आपको, गाँव मांगावास डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा प्रदेश से, और इतनी अच्छी खासी लेवटी किसी किसी पशुधन में देखने को मिलती है।
साइड से अगर मैं अड्र को कवर करके दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं, साइड से अच्छा खासा टीट स्पेसिंग, अच्छा खासा अड्र, स्वभाव काफ़ी शांत। और भाई ने जो इसकी कॉस्ट रखी 1.5 लाख रुपए कॉस्ट रखी है, तो इसकी मैं मिल्किंग आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और एक अभियान अच्छा और उम्दा नस्ल का पशुधन दिखाने का हमारे पशुपालक भाइयों को, उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको अच्छे से अच्छा पशुधन हर बार मैं दिखाता रहूं वीडियो के माध्यम से। और फिर भी मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, जब तक आप पशुधन से संतुष्ट ना हो जाएं तब तक बिल्कुल भी मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। बाकी भाई का कोई ऐसा पशुधन मिला नहीं जिसमें कोई हेरा फेरी या कोई दिक्कत हो। ओके गूगल, नाउ प्लीज टेल मी द एग्जैक्ट टाइम एंड डेट। इट इज 5:01 PM, 21 May, 2021। ये समय आप देख सकते हैं 5:01 PM और 21 May, 2021 की तारीख को मैं लाइव मिल्किंग आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं गांव मंगावास डिस्ट्रिक्ट जिद्दर हरियाणा प्रदेश से। ये आप देख सकते हैं लाइव मिल्किंग। मैं प्रवीण भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चे के लिए ज़रूर दूध छोड़े क्योंकि मात्र 3 दिन का है। और मिल्किंग आपने यहाँ पे ये देखी, ये आप देख सकते हैं।
तो ये भाई ने दिखाई, एक बाल्टी और ले लेना, थोड़ा उल्टा सुल्टा दूध जरूर करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ पशुपालक भाई हैं जिनको थोड़ी सी समस्या हो जाती है इन चीज़ों से, तो हम नहीं चाहते एक साफ और सटीक बातें जो पशुपालक भाइयों को देखने को मिले। ये मिल्किंग एक बार लीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जरूर एक छोटा सा एक लमसम आइडिया मैं इसको कहूँगा पशुपालक भाइयों के लिए। हालांकि एक्यूरेट वेट तो 19-20 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। ये आप देख सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छः और सात, और थोड़ा बहुत ये देख सकते हैं 7 लीटर के करीबन जो इनका था वो बाल्टी में है, बाकी बच्चे को भी पिलाया है। तो हैप्पी भाई कितना मान के चल सकते हैं बच्चे को कितना दूध पिलाया होगा? भाई बच्चे को तो आधा किलो ही लगा लो। आधा किलो, हाँ। ये आप देख सकते हैं 14-14.5 लीटर के अराउंड इनका जो जी ये आप देख सकते हैं साफ सटीक जानकारी, पाई आध किलो ऊपर नीचे, ये जो है इतना बिल्कुल बूंद बूंद का हम जो मोल भाव है वो नहीं कर सकते। जी जी, तो ये आप देख सकते हैं 14-14.5 मात्र 3 दिन के नीचे, और काफी सारी उम्मीद है। हैप्पी भाई क्या उम्मीद कर सकते हैं, 20+ जाएगी इस हिसाब से। तो ये भाई साहब उम्मीद तो इससे ऐसी है, बस पूछो मत। जी कम से कम 26 किलो तो निकाल देगी उम्मीद है भाई, देखो निकालने का नहीं कह सकते। जी जी, कई बार मैं ठोके कह देता हूँ भाई निकाल लेगी। जी जी जी, पर इस बार उम्मीद है अच्छी खासी। जी 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 जी, तो ये पशुधन सेल के लिए अवेलेबल है, जो भी इच्छुक बार लेना चाहें हैप्पी भाई एक बार संपर्क सूत्र जरूर बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है 705-706-22-22। ये इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, गांव मांगावास डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा प्रदेश से, तो जो भी इच्छुक बार लेना चाहें वो इनसे संपर्क करें। आशा करूंगा आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी, मिलते हैं फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हरियाणा, जय हरियाणा।